नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों की यात्रा की है और साथ ही साथ जिस तरह से भारत और जापान के रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं उससे बिल्कुल साफ है कि उनसे कितना फायदा हो रहा है। लेकिन अभी तक जितने भी सहयोगी आगे बढ़े हैं उनमें सबसे तेज गति अगर किसी की है तो वो जापान की है। आपको याद होगा, सांसद बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि काशी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसकी सांस्कृतिक धरोहर को बरकरार रखते हुए 21वीं शताब्दी के शहर की तर्ज पर वो इस शहर को विकसित करना चाहते हैं। वाराणसी का वो कायाकल्प करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल होने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। आज उसी गंगा के तट पर प्रधानमंत्री मोदी अपने सबसे अहम तरीके से आगे बढ़ रहे सहयोगी जापान से आए दोस्त प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ वहां पहुंचने वाले हैं। वाराणसी दोनों प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। इस मौके पर क्या है तैयारियां, किस तरह से दोनों प्रधानमंत्रियों के स्वागत की हो रही है विशेष तैयारी और दो प्रधानमंत्रियों की इस यात्रा से काशी के लोगों को क्या उम्मीद है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ कराऊंगा आपसे थोड़ी देर में। पहली रिपोर्ट देखिए। भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी, तो जापान की आध्यात्मिक राजधानी क्योटो। हिंदुओं का बड़ा धार्मिक स्थल काशी, तो जापान में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र क्योटो। विशाल मंदिरों, भव्य प्रासादों और कलात्मक भवनों के लिए क्योटो संपूर्ण जापान में प्रसिद्ध है। तो तंग गलियों, ट्रैफिक जाम की समस्या, प्रदूषण और दूसरी वजहों से काशी को वो रुतबा नहीं मिल पा रहा जिसका वो हकदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से सांसद बनने के बाद काशी को स्मार्ट सिटी और क्योटो जैसे शहर में बदलने का सपना कुलांचे मारने लगा। अब जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे वाराणसी में है तो इस दिशा में एक और ठोस कदम आगे बढ़ने वाला है। काशी एक दिन अवश्य हो जाएगा क्योटो, क्योंकि मोदी जी ने लगा दिया है अपना वीटो। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते दो बार जापान की यात्रा कर चुके नरेंद्र मोदी जब बतौर प्रधानमंत्री पहली बार जापान गए तो उसी दौरे में दोनों देशों के घनिष्ठ रिश्तों के साथ ही काशी के क्योटो में बदलने की बुनियाद रख दी गई। बीते साल अगस्त में हुए उस दौरे में पहला करार ही यही हुआ। करार के मुताबिक क्योटो के तर्ज पर काशी को विकसित किया जाएगा, यानी बनारस को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। क्योटो के मेयर और भारतीय राजदूत के बीच इसके लिए बकायदा समझौता हुआ और इस समझौते के साक्षी बने भारत और जापान के पीएम। अब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत दौरे पर वाराणसी यानी काशी में हैं। काशी के लोगों को शिंजो के इस दौरे से ढेर सारी उम्मीदें हैं। दोनों रिश्तों में बहुत प्रगाढ़ता आ जाए, हिंदुस्तानी और जापानी दोनों मिल करके आप विकास करें हमारे बनारस सिटी का, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स दें, अच्छी अच्छी चीजें दें। देश के प्रधानमंत्री और साथ में जापान देश के भी प्रधानमंत्री, ये दोनों महोदय जो यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, तो हम अपने इस वाराणसी के लिए कुछ अच्छाई ही लेकर के आ रहे होंगे। जापान के पीएम के स्वागत के लिए काशी सज धज कर तैयार है। उनकी राह में भारत की सांस्कृतिक छटा दिखाने की कोशिश तो हो ही रही है, साथ ही जापान से लगाव को दिखाने के लिए वहाँ की झलक भी दिखाई जा रही है। जापान के पीएम दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखेंगे। आरती के दौरान दशाश्वमेध घाट पर गंगा की लहरों में भारत जापान मैत्री संगीत की मधुर धुनें बजती रहेंगी। गंगा आरती के बाद दोनों पीएम होटल गेटवे ताज में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे। इसके बाद नदेसर पैलेस में काशी क्योटो समझौते पर चर्चा होगी। काशी को क्योटो जैसा बनाने के लिए जापान तकनीकी सहयोग करेगा। दिल्ली से वाराणसी रवाना होने से पहले ही शिंजो आबे ने जापान की मदद से क्योटो में एक सामुदायिक केंद्र बनाने की मंजूरी दे दी। इसकी पुष्टि खुद पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए की और पीएम शिंजो आबे का शुक्रिया अदा किया। वासुदेव त्रिपाठी, वाराणसी, IBN 7।
आज का मुद्दा में आज भारत और जापान के प्रधानमंत्री जो एक साथ काशी दौरा कर रहे हैं, इसी की बात करेंगे। भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शहर में जापान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी के मायने क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं वाराणसी से जाने माने ज्योतिषाचार्य और BHU में संस्कृत के प्रोफेसर पंडित विनय पांडे। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही है लोक गायिका मालिनी अवस्थी। शास्त्रीय गायन के दो बड़े नाम पंडित राजन मिश्रा और पंडित साजन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की प्रमुख संयुक्ता भादुड़ी जी। आप सबका स्वागत है। और यह भी बता दूं कि इस वक्त दशाश्वमेध घाट से वासुदेव त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और उनके साथ एक खास मेहमान है। किसी और के पास जाऊं उससे पहले आप ही हमें बताएं वासुदेव, इस वक्त काशी नगरी में क्या हो रहा है? जी आकाश, काशी नगरी में दोनों प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही समय में वो जो है निकलेंगे काशी में गंगा आरती दर्शन के लिए। हम इस वक्त दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल पास में ही खड़े हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से सजाया गया है घाट को, खास तैयारियाँ की गई हैं जैसा कि हम सुबह से लगातार दिखाते आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो काशी की गंगा आरती है उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या खूबियाँ हैं और क्यों ये जो गंगा आरती है ये और जगहों से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, ज़्यादा खास मानी जाती है, हमारे साथ बात करने के लिए जो है जो पंडित जी हैं ये इस वक्त विनय पांडे जी ये पूरा विस्तार से बताएंगे। विनय पांडे जी, काशी की गंगा आरती की खासियत और क्यों ये शास्त्रीय विधान से बेहद अहम है, बताइए। त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात है कि आप जिस स्थान पे खड़े हैं वो विश्व का एक ऐसा नगर है जहाँ पर समग्र विश्व एक स्थान पे बसता है। यहाँ पर न केवल विश्व से सभी लोग पर्यटक आकर्षित होते हैं बल्कि देवताओं की भी ऐसी इच्छा रहती है, वैसी दृष्टि रहती है कि वो चाहें कि हमेशा हम काशी में एक बार आगमन का मौका मिले और देवता भी काशी में आना चाहते हैं। स्कंद पुराण में एक ऐसा प्रसंग आया है कि भगवान विष्णु भी अपनी इच्छा प्रकट करते हुए अपने संतों से कहते हैं कि देखो मैं भी यावत तिष्ठति अहम तत्र यावत काशी विनिश्यते प्रलय काले पिनाशोस्य न स्यात् शिव सुलाग्र संस्थित है। अर्थात इस काशी के प्रलय काल में भी स्थिति जो है अपने आप में विद्यमान रहती है और मैं तब तक इस काशी में निवास करना चाहूंगा जब तक कि इसका नष्ट न हो। दोनों प्रधानमंत्री वहां पर है, हमारे साथ और भी मेहमान है, लौटूंगा आपके पास में। लेकिन मालिनी जी, अगर इस वक्त आप वहीं वाराणसी में दोनों प्रधानमंत्रियों के सामने होती है और आपको वेलकम करना होता दोनों को किसी गीत से, तो क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि कोई बहुत बढ़िया गीत के जरिए संगीत से पहले सभा बांध दे इस पूरे कार्यक्रम का? हमारे यहाँ तो अब मुझे लगता है सबसे पहले तो बधाई सभी को, बहुत सुंदर। और जी तो वास्तव में चाह रहा था कि इस समय मैं भी बनारस में ही होती क्योंकि वैसे भी काशी उत्सव की नगरी है और ये जो पूरा एक सुंदर क्षण है मैं कहूंगी, क्योंकि ये तो अभी की वर्तमान की बात है कि हमारे यहाँ जापान के प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री जी जो वहाँ के सांसद भी हैं उनके न्योते पर आए हैं, लेकिन बनारस का भी भगवान बुद्ध की धरती है, काशी तो जापान से और जापान निवासियों से बड़ा पुराना संबंध रहा है, वहाँ पे प्रायः लोग आया करते हैं और मुझे लगता है बार बार यही एक गंगा माँ का आकर्षण, भोलेनाथ जी का आकर्षण है जो खींच के लाता होगा। तो मुझे आज तो दरअसल तो लोक संगीत में पाहुने का अतिथि का स्वागत करने की बहुत सारी परंपरा रही है, लेकिन आज चूंकि गंगा आरती जी का समय है तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना दो पंक्तियां वही मैं सुनाऊं, आपकी यदि अनुमति हो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। जय जय देव, जय जय देव, जय जय देव, जय जय देव, जय गंगाधर हर हर देव, जय शिव जय गिरिजाधीश देव, त्वं मम पालय नित्यं, त्वं मम, त्वं मम पालय शंभो, करहु कृपा जगदीश। जय जय देव, जय जय देव, जय जय देव, जय जय देव, कैलाशे गिरिशिखरे कल्पद्रुम विपने
शिव कल्प द्रुम विपने विपने गुंजित मधुकर पुंजे कुंज विने गगने गगने जय गंगाधर हर हर देव जय जय देव जय जय देव जय शिव जय गिरिजाधीश जय 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 देव जय गंगाधर जय 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 देव। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी जी जी। हमारे तो साथ साक्षात नहीं हो तो मैंने कहा कि जी जी हमारे साथ पंडित राजन मिश्रा जी और पंडित साजन मिश्रा जी भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे चूंकि आप तो भारतीय कला को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया के कई देशों में ले जा चुके हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि कोई युवा हो जो जापान से आया हो और उसको आपको समझाना हो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत क्या है, भारत की परंपरा क्या है, तो किन शब्दों में कैसे समझाएंगे? अगर आप चाहें तो उसमें गाकर समझाएं, थोड़ा समझाएं साथ में बोलकर भी। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री हमारे अपने शहर में हैं और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि काशी में ही हमारा जन्म हुआ है और काशी की कायाकल्प करने की जो प्रण किया है हमारे प्रधानमंत्री ने, ये हृदय से स्वागत के योग्य है और हम बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि हम आज काशी में नहीं हैं, फिर भी हम हृदय से काशी में ही विराजमान हैं और अपने प्रधानमंत्री को नमन करते हुए और सभी काशीवासियों का प्यार और स्नेह लेते हुए दो लाइन हम लोग भी सुना देते हैं आपको। एक छोटी सी कविता है जी। रे काशी के बसैया, काशी के बसैया, काशी के बसैया, काशी के बसैया पर काशी के खेवैया नाथ भंग के धरैया और गंग के धरैया, भंग के धरैया गंग के धरैया, तुम हो काशी के बसैया, काशी के बसैया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुझे तो डर लग रहा था गलती से मुंह से एक शब्द निकल जाए क्योंकि आप इतना खूबसूरत गा रहे थे। और हमारे साथ एक और मेहमान है यहाँ पर हमारे स्टूडियो में है, संयुक्ता जी। आप स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर के अर्बन प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट उसकी हेड है और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बाकायदा जाकर और आपकी फैकल्टी जाकर वाराणसी में देखकर आई है कि जैसा कि अभी पंडित राजन मिश्रा, साजन मिश्रा बोल रहे थे कि वाराणसी का कायाकल्प करने की जरूरत है, तो वो करने के लिए क्या जरूरत है? आज जिस स्थिति पर वाराणसी है उससे अगर आगे ले जाना हो तो उसमें क्या करने की सबसे पहले जरूरत है? नमस्कार। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वाराणसी का बहुत सारे मुद्दे हैं जो पहले क्या बहुत बहुत सारी चीज़ एक ही बार में कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगी कि जो जो हमारी विरासत है, अगर वाराणसी का शाश्वत विकास विरासत
बेस्ड विरासत को मद्देनजर रखते हुए हमें वाराणसी का शाश्वत विकास होने चाहिए। तो यानी मॉडर्न सिटी भी बने और हेरिटेज को भी बचा के रखा। यस, हेरिटेज बेस्ड अर्बन डेवलपमेंट होनी चाहिए वाराणसी के लिए जो क्योटो में है। हाँ, तो उसको वही, तभी वाराणसी सस्टेन होगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम बोलते हैं वो होनी चाहिए। तो इसलिए जो विरासत है, हमारा विरासत जो नेचुरल है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो मंदिरों मस्जिदों, वो हमारी बिल्ट हेरिटेज है, और हमारे कल्चरल हेरिटेज में हमारे जैसे फेस्टिवल्स हो गई, म्यूज़िक, डांस, क्राफ्ट, तो वाराणसी में बहुत कुछ इकट्ठा है। तो इन इन ये सब विरासत को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सके, कैसे कंजर्व कर सके, ये एक बात है। तो हमारा प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से तो वो जो हमारे जो जहाँ बिल्ट हेरिटेज है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके आसपास की जगह को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या यूज़ वहाँ परमिट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कह रहे हैं कि प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि वाराणसी में तो ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो सदियों पुरानी है, वो पूरी धरोहर को बचा के रखना है और साथ साथ में विकास करते जाना है, तो ये इसके पीछे अच्छी लंबी चौड़ी सोच होनी चाहिए। लेकिन आप तो वहां काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ये बताएं, ये सोच है वहां पर? लोगों को पता है, बट लोगों को नहीं, पॉलिसी मेकर्स को भी पता है, बट पॉलिसी मेकर्स को वो और मेरे ख्याल से सारे एस्पेक्ट्स को जुड़ के देखने चाहिए एज अ होलिस्टिक अप्रोच। अभी होलिस्टिक नहीं है, नहीं, अभी एक कुछ हो रहा है, कुछ और एक एस्पेक्ट को देखा जा रहा है। अगर एक्सेस देख रहे हैं तो फिर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं दे, तो इकट्ठा सब कुछ एस्पेक्ट्स को जुड़ के देखना बहुत जरूरी है वाराणसी के लिए। तो जैसे हम लोग बोलते हैं वाराणसी जो बूढ़े लोग, जो एल्डरली लोग, उनके लिए वाराणसी है, मगर आप देखेंगे जो घाट पे जब हम चलते हैं, घाट तक वो बूढ़े लोग आज नहीं चल पाएंगे, बिकॉज घाट तक एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है। वासुदेव त्रिपाठी, आप तो दशाश्वमेध घाट पर खड़े हैं, लंबे समय से आप वहां पर है भी, वाराणसी शहर को अच्छे से जानते हैं, आपके साथ पंडित विनय पांडे हैं। लोगों की आकांक्षाएं क्या है? जापान के प्रधानमंत्री वहां पर आए, भारत के प्रधानमंत्री वहां पर इस वक्त हैं, कायाकल्प करना चाहते हैं, कुछ बदलता हुआ दिख भी रहा है अभी तक? जी बिल्कुल, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि अभी हम दशाश्वमेध घाट के पास में खड़े हैं और अब यहाँ पर विशिष्ट अतिथि आना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे इस साइड में यहाँ पर ये जो गाड़ी खड़ी है, इसमें केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र पहुँचे हुए हैं, और केंद्रीय मिश्र जो है ये यहाँ पर अब जो है सीधे यहाँ से जाएंगे दशाश्वमेध घाट की तरफ, और उस घाट पे यहाँ पर तमाम गणमान्य अतिथि जिनमें आ रहे हैं और उसमें ये शिरकत करेंगे। तो जो वीआईपी मेहमानों का जो आना है वो शुरू हो गया है, और कुछ ही देर में अब जो है यहाँ पर और तमाम जो है विशेष, थोड़ा सा हमें ये इस वक्त अंदाजा लगा दे आगे हम क्या देखने वाले अगले 2-3 घंटे के अंदर। जी बिल्कुल, अभी जो है तमाम अतिथि पहुंच रहे हैं, इसके बाद शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। गंगा आरती के दर्शन का ये जो कार्यक्रम है ये दशाश्वमेध घाट पर होता है, दशाश्वमेध घाट पर विशेष रूप से प्रचलित है, यहीं पर ही आयोजन किया जा रहा है। और उस आयोजन में जिस तरीके से जो गतिविधियां होती हैं, आरती का विधान होता है, उन्हें बताने के लिए हमारे साथ विनय पांडे जी हैं। विनय पांडे जी, ये बताइए किस तरीके के विधान से आरती ये की जाती है और क्या पद्धति होती है? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले जो हमारे यहाँ पूजा पद्धति है, पूजा पद्धति के अंतर्गत ही आरती विधान भी आता है। तो हमारे यहाँ पूजन की अनेक विधियाँ हैं, जिसमें राजोपचार है, षोडशोपचार है, पंचोपचार है, मनसोपचार है, और उसी के अंतर्गत ये आरती की विधि आती है। षोडशोपचार में हम जिस भी देवता की पूजन करते हैं उसका सर्वप्रथम उसका आगमन कराना, उसका आह्वान करना, आह्वान करने के बाद से फिर उनको स्थान देना, स्थान देने के बाद से उनका पादप प्रक्षालन करना, स्नानादि कराना, उसके बाद से उन्हें वस्त्र प्रदान करना, तिलक लगाना, फिर माल्य पुष्प चढ़ाना, फिर उनको भोग समर्पित करना, आरती और धूप और दीपक दिखाना, और उसके बाद से सामर्थ्यानुसार अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार द्रव्य दक्षिणा इत्यादि समर्पित करके पुनः उनके सामने आरती की जाती है कि हे प्रभु, हे देव, आप हमारी ये जो क्रियाएँ हैं, कर्मकांड की पद्धतियाँ हैं, इनसे प्रसन्न हों और हमारे मानसिक सिद्धि को दें, हमारे मानसिक सफलताओं। वासुदेव, आज क्या विशेष तैयारियाँ हैं, ये
समझने के लिए आपके पास लौटेंगे, लेकिन पहले मैं मालिनी जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ये तो भोलेनाथ की नगरी है, जब तक उनकी स्तुति ना हो तब तक वो समा आएगा ही नहीं, बंधेगा ही नहीं, वो फीलिंग ही भी नहीं आएगी। तो आपसे आपसे चाहते हैं कि थोड़ा सा समझाते हुए आप हमें गीत के जरिए बताएं कि जिस शहर में जापान के प्रधानमंत्री पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री के साथ, उस शहर का महत्व क्यों है, क्योंकि ये शहर चाहता है, वाराणसी चाहता है कि इसे हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया जाए। क्योटो पहले से हेरिटेज सिटी है और वहां प्रधानमंत्री जाकर आए। जी देखिए, बड़े सम्मान के साथ एक बात कहना चाहूंगी और मेरे ख्याल में सभी सुनने वाले भी सहमत होंगे कि काशी को धरोहर की घोषणा की आवश्यकता ही नहीं है। काशी अपने आप में धरोहर है, इतिहास और संस्कृति इस बात की साक्षी है कि काशी सबसे प्राचीन नगरी है जिनका कि वेदों पुराणों में उल्लेख है। और पूरा इतिहास इस बात का मिलता है कि जितनी जागृत तब थी उतनी आज भी जागृत है। ऐसे में हम सबका फर्ज है, और ये मुझे लगता है कि काशी का पूरे देश का और बनारस का भाग्य है कि सांसद ही देश का प्रधानमंत्री है, और कहीं ना कहीं पे एक पहली बार इस तरह की पहल देखने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री होते हुए भी वे विदेशी एक समकक्ष, आप कहें जापान के प्रधानमंत्री जी को अभी तक हम लोगों ने देखा है दिल्ली बंबई में भेंटे हुआ करते हैं, लेकिन दरअसल उनको सांस्कृतिक राजधानी लाना और उनसे परिचय कराना, ये मुझे लगता है एक बहुत सुंदर सोच है और इसके जरूर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। भारत और जापान के प्रधानमंत्री एक साथ काशी दौरे पर है और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले मालिनी जी आपके पास आ रहा हूं, और भोलेनाथ की नगरी को आप संगीत के रूप में कैसे प्रणाम करेंगी और दोनों प्रधानमंत्रियों के वहां आने को कैसे देख रही हैं? आप इसे शुरुआत कर रहा हूं। नहीं, उनके आने का तो हम लोग स्वागत कर चुके हैं, लेकिन गंगा मैया भी प्रसन्न होती है दी बाबा विश्वनाथ जी को प्रणाम करें, जो जोगी हैं, अवघड़ हैं, और जो उनका उनकी मस्ती और उनका जो एक विराट स्वरूप है वही फक्कड़पन वही स्वभाव काशी में भी है। मैं तो लोक गीतों के लिए भी जानी जाती हूँ, एक आपको पारंपरिक रचना सुना रही हूँ जिसमें गंगा मैया और भोलेनाथ का भी संबंध है। ओ डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। बाबा कैसे हैं? अरे बूढ़े बल सवार बाबा चंदा सोहे ललाट हो, अरे बूढ़े बल सवार बाबा चंदा सोहे ललाट हो, धार गंगा की बहाव हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, गरे म पहरे मुंड माला अंग लपेटे नाग काला हो, अरे गरे में पहरे मुंड माला नाग लपेटे काला, छाल शेर की उड़ावे हमारी जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। अब फक्कड़ कैसे हैं? अरे घर में एको दाना नहीं बैल बांधे पुराना, घर में दाना एको नहीं बांधे बैल पुराना, अरे घर घर में अलख जगावे हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। बहुत ही खूबसूरत, तो अलग जग रही है आज भी, अलग जगाने का एक क्षण है, आपने बिल्कुल अलग जगा दी है और संगीत में शुरुआत कर दी है। पंडित राजेंद्र साजन मिश्रा जी आपसे सुनना चाहेंगे कि आप कैसे प्रणाम करेंगे भोलेनाथ को। सुनाया आपने। अरे बहुत ही अच्छा लगा मालिनी जी का गाना, और इसी देखिए, अरे क्या बात,
लोक धुन में कितनी सुंदर बात आपने बताई और गाई, और उसी लोक धुन का जो शास्त्रीय पक्ष है उसमें भी एक चीज हमें याद आ गया, बड़ी पुरानी रचना है, ए डमरो हर कर बाजे, डमरो हर कर त्रिशूल कर धर भस्म भूषण व्याल माल गले अद्भुत। आप कह रहे थे कि आप काशी नगरी में नहीं है, लेकिन आपने अभी जो गाया उसके बाद तो बहुत सारे लोग दुनिया में जहां भी बैठे हो अपने आप काशी नगरी पहुंच गए होंगे। अभी आपसे मालिनी जी कह रही थी, मालिनी जी कह रही थी कि आपके सामने उनका साहस नहीं है गाने का, लेकिन उन्होंने सुनाया है। क्या आपको ही उनसे अनुरोध करना चाहेंगे जो आपके पसंदीदा कोई लोकगीत वो आपको सुनाना चाहें, पूरे दर्शकों को सुनाना चाहें? जरूर, उनके पास तो लोक गीतों का भंडार है और वो हम लोगों की छोटी बहन है और बहुत ही आदर करती हैं और बड़ी सुरीली आर्टिस्ट हैं। हम लोग भी बहुत उनको प्यार करते हैं, बहुत सराहते हैं और हम लोग बिल्कुल एक परिवार की तरह हैं और बहुत अच्छा लगता है जब भी हमारी मुलाकात होती है। तो आप अपने मन से कोई गीत सुनाएं। अच्छा रे, एक मैं यहाँ पर कुछ भी कहने से पहले बोलूंगी कि पंडित जी ने बिल्कुल हम लोगों को ऐसा वास्तव में ये लगा मंगल आरती हो रही है विश्वनाथ मंदिर में और सामने बाबा के बैठे हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा था। क्या सुंदर गाया, मतलब इसे कहते हैं वास्तव में नाद का एक बहुत सुंदर। मैं अपने ये सुनने वालों को ये बात पता ही होगी कि अपने हमारे यहाँ पूरब में गंगा मैया भगवान शिव की मतलब सहचरी हैं, क्योंकि सदा उनके शीश पर विराजती हैं, मोक्षदायिनी हैं, सब कुछ है। लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ पर हर सुहाग की जो मंगल कामना होती है जी, वो भी गंगा मैया से ही सदा उनको उपमा दी जाती है। जैसे जब लगे गंगा जमुन जल धारा तब तक लगे सिय अहिवात तुम्हारा, हमेशा या जब तक गंगा मैया के जब तक पानी रहे मेरे सही क्या सजना तेरी जिंदगानी रहे, यानी ये जितने भी भाव हैं जी, वो कहीं ना कहीं एक अमर निर्गुण में छिपे हैं, वही आपको मैं सुना रही हूँ। काशी की पुरानी रचना है और मैं अनुमति लेकर के पंडित जी से सुना रही हूँ। अरे वाह, खूब अच्छा गाइए जी। ये सुंदर सारी मोरी मई के मईल पई
कालई के जईबे गवनवा हाय राम, कालई के जईबे गवनवा हो राम। ई सुंदर सारी मोरी मई के मईल भई, कालई के जईबे गवनवा हाय राम, कालई के जईबे गवनवा हो राम। अरे गंगा नहाए आई सूरज पैया लाग आई, मांग आई माँ से मंगनवा राम। गंगा नहाए आई सूरज पैया लाग आई, मांग आई माँ से मंगनवा हो राम। अरे गंगा मैया तो है ई गंगा मैया, ई गंगा मैया तो है अरे पियरी चढ़ई पे, अरे सैया से करई द मिलनवा हाय राम, सैया से करई द मिलनवा हो राम। ई सुंदर सारी मोरी, ई सुंदर सारी मोरी अरे मई के मईल भई, कालई के जईबे गवनवा हाय राम, कालई के जईबे गवनवा हो राम। और उसमें सुंदर एक बहुत सुंदर अंतरा है, अरे नाम हो रे गुण धन, अरे नाम हो रे जो बना नाही एको गहनवा राम। अरे घूंघटी खोल जब अरे पिया मुख देखी है, अरे करीब मैं कौन बहनवा हाय राम, करीब मैं कौन बहनवा हो राम। ई गंगा मैया तो है ओ गंगा मैया तो है अरे पियरी चढ़ैब हम पियरी चढ़ैब, अरे कालई के जईबे गवनवा हाय राम, कालई के जईबे गवनवा हो राम। गंगा माँ ने बुलाया है और इसीलिए हम सब यहाँ पर हैं। आप दुनिया में कहीं भी हो, आइए इस वक्त हमारे साथ सीधे चलिए काशी नगरी। ये देखिए कितने खूबसूरत विजुअल्स हैं। शाम का समय है, 6:15 बज रहा है इस वक्त। दोनों प्रधानमंत्रियों का इंतजार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अब किसी भी क्षण यहां पर पहुंचने वाले हैं। ये खूबसूरत विजुअल्स आपको नजर आ रहे हैं अपने स्क्रीन पर। अगले 1.5 घंटे से 2 घंटे लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये खूबसूरत समा इस वक्त आप बन चुका है। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, पंडित राजन और साजन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, मिश्रा जी हमारे साथ हैं। और दोनों से मैं ये चाहूंगा कि आपने 3 शताब्दी पुरानी जो एक परंपरा आज तक जिंदा रखी है, आज गंगा मैया को डेडिकेट करते हुए आप क्या सुनाना चाहेंगे? और साथ ही साथ आप तो बनारस घराने के हैं, बनारस की ओर से दोनों प्रधानमंत्रियों को क्या कहना चाहेंगे? पर पहले शुरुआत संगीतमय। जरूर जरूर जरूर। जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर करतार हर, सुखदासी सुखदार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शशि शेखर
जय डमरूधर, जय शशि शेखर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी, जय मददहारी, अमित अनंत अपार हरे, जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे, जय शिव शंकर, जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे, वैद्यनाथ केदार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ जय, काशीपति श्री विश्वनाथ जय, मृत्युंजय अविकार हरे, जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे, जय शिव शंकर।